बोल श्री बलराम संग महाराज की जय। कल अपना देखे थी कि महाराजा दशरथ को श्राप मिल गया, श्रवण के माता पिता ने श्राप दे देता के राजा दशरथ जिस तरीके ना मैं पुत्र के वियोग के विच तड़फ रहा है, इसे तरीके ना तू भी पुत्र के वियोग के विच तड़फेगा। महाराज दशरथ बहुत ही उदास ने कि आज वो श्राप भी इंज लगता कि मेरे जीवन च कोई असर नहीं किया, श्राप नहीं। तो महाराज दशरथ के दरबार में चल रहे हैं, मंत्री जी जो आज्ञा महाराज। क्या हमारे अयोध्या के अंदर सब कुशल मंगल तो है? हाँ महाराज, हमारी अयोध्या नगरी में सब कुशल मंगल है, चारों ओर खुशी की चहल पहल उठी हुई है। मगर महाराज पूरी अयोध्या नगरी में केवल एक ही शंका सताई जा रही है कि अब तो आपका चौथा पंथ आ चुका है, मगर आपको कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। महाराज यही चिंता तो मुझे अंदर से ऐसे खोखला करती जा रही है, मैं खुद ही इस दुख से बड़ा व्यथित हूं कि मेरा चौथा पंथ आ गया। लेकिन इस अयोध्या इस गद्दी को संभालने वाला इस कुल के अंदर कोई दीपक नहीं, मैंने एक नहीं तीन तीन विवाह किए। ये मंत्रीगण ये गुरुवर, क्या इसके लिए कोई ऐसा उपाय नहीं है कि यह इस अयोध्या को अयोध्या का वारिस प्राप्त हो सके? हे राजन, हर संकट का उपाय होता है। आप अगर उपाय के बारे में पूछते हैं तो मैं इस उपाय को बता सकता हूं। तो हे महाराज, हे ऋषि, हे कुलगुरु, आपने आज तक इसे क्यों नहीं बताया? हे महाराज, आपने पूछने की कोशिश की, ये प्रजा की चिंता है कि अयोध्या का उत्तराधिकारी अभी तक कोई नहीं आया। लेकिन हे महाराज दशरथ, मैं एक ऐसे ऋषि को जानता हूं, केवल व केवल उस यज्ञ को वही ऋषि करा सकते हैं, और उस यज्ञ के करने के उपरांत अयोध्या को उसका उत्तराधिकारी प्राप्त हो सकता है। हे गुरु, तो अति शीघ्र बताइए कि वो कौन से ऋषि हैं जिन्होंने जो यज्ञ करा करके और इस अयोध्या के उत्तराधिकारी को प्राप्त करा सके। हे राजन, लेकिन उस ऋषि तक पहुंचना और उन्हें मनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो बड़े ही क्रोधावल है, वो क्रोध से हमेशा ही पीड़ित रहते हैं, उनके सामने जाने की किसी की भी हिमाकत नहीं होती। जो भी जाएगा उनके श्राप का कारण बन सकता है, क्योंकि वह सदैव ही तपस्या में तलीन रहते हैं। हे राजन, उनका नाम है सिंगी ऋषि। हे गुरुवर, तो मुझ दास की कृपा ये अयोध्या की व्यथा है। हे गुरुवर, आप मुझे उनके मार्ग तक ले चलिए, उनकी उस मुठिया तक ले चलिए। अगर वो मुझे श्राप भी दे दे तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। हीरा जी, उठिए, आप चिंता मत कीजिए। अगर आपके मन के अंदर ऐसी ही इच्छा है तो चलिए राजन, हम कल प्रातः काल सृंगी ऋषि के आश्रम की तरफ प्रस्थान करेंगे। जैसी इच्छा गुरुवर, जैसी इच्छा आपकी। Thank you.
महाराज दशरथ दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही अपने दल बल को लेकर के श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंच रहे हैं। आज यहां श्रृंगी ऋषि जो कि बड़े क्रोधाकुल रहते हैं अपनी तपस्या में लीन हैं। आइए देखते हैं इस ऋषि को। नमो भगवते वासुदेव, नमो भगवते वासुदेव। अपनी तपस्या में तलीन है कुलगुरु वशिष्ठ जी विश्वामित्र के पावन चरणों में नमस्कार कर रहे हैं कि ऋषिवर आप अपनी तपस्या को खोलिए। लेकिन उस तपस्या को अब भंग किया जा रहा है और जैसे ही तपस्या भंग हुई ठीक उसी समय श्रृंगी ऋषि जी बड़े ही क्रोधाकुल हो गए। किसने मेरी तपस्या को भंग करने की कोशिश की? हे ऋषिवर, क्षमा ऋषिवर, पैरों में गिर गए। मैं ऋषि वशिष्ठ अयोध्या का कुल गुरु, श्रृंगी ऋषि जी आपके पावन चरणों में अयोध्या के महाराज पधारे। वशिष्ठ, तुम्हें पता नहीं हम किसी राजा से नहीं बनते, हम किसी के मनुष्य के दर्शन नहीं करना चाहते, तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई? क्षमा ऋषि, क्षमा, मुझे क्षमा कीजिए। ऋषिवर, क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। अरे राजन, क्या वशिष्ठ ने तुम्हें हमारे क्रोध के विषय में अवगत नहीं कराया था? क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरी क्रोध की ज्वाला ऐसी है कि मैं चाहूं तो तुम्हें अभी भस्म कर सकता हूं? ऋषिवर, अब चाहे भस्म कीजिए, चाहे मृत्यु दंड दीजिए, ये राजा दशरथ आपकी शरण में आया। क्षमा ऋषिवर, क्षमा, अपने क्रोध को क्षमा, शांत कीजिए ऋषिवर। और इस दशरथ की एक विनती को सुनिए। हाय वशिष्ठ, ये कैसे दुराचारी राजा को लेकर के तुम हमारे पास आए हो? यह क्रोध को शांत करने के लिए कहता है और फिर हमें से भिक्षाटन करता है। हे ऋषिवर, महाराज दशरथ आपके सामने एक ऐसा प्रस्ताव लेके आए हैं क्योंकि इनके तीन तीन रानियां होने के बाद भी ये चौथा पद बीत गया, पर हे ऋषिवर, इन्हें कोई संतान उत्पन्न नहीं हुआ। आप भी एक ऐसे पुरुष हैं, एक ऐसे ऋषिवर तपस्वी ऋषि हैं कि अगर आपकी कृपा हो तो इनकी झोली संतान से भर जाएगी। कैसे वादा करते हो? मैं तो पुत्र बांटता सुनता हूं कि इस तुम्हारे राजा के झोली में पुत्र डाल दूंगा। हे ऋषिवर, आप सर्वज्ञाता है, आप सब कुछ जानते हैं। अगर आप इनके पास जाकर के पुत्र युष्टि यज्ञ करा दें तो मुझे पूर्णतया विश्वास है कि उस पितृष्टि यज्ञ के कारण महाराज के दशरथ के घोड़ी में कुल का दीपक उत्पन्न हो जाएगा। वशिष्ठ, क्या तुम्हें यह ज्ञान नहीं कि हम किसी नगर में नहीं जाते, हम किसी गांव में नहीं जाते, तो तुमने कैसे यह सोच लिया कि मैं अयोध्या में जाकर के पुत्र यष्टि यज्ञ कराऊंगा? क्षमा ऋषिवर, अगर आप ये कहें तो अयोध्या से पहले ही आपके यज्ञ का प्रबंध कर दिया जाएगा। महाराज दशरथ स्वयं अपनी पत्नी स्त्रियों के साथ में आपके समीप पहुंचेंगे। वशिष्ठ, तुमने बड़ी अच्छी चाल चली। अरे राजा दशरथ, उठो, तुम्हारे कुलगुरु वशिष्ठ के कहने के उपरांत जबकि मैं इसके लिए कभी तैयार नहीं होता, मैंने जो आज तक तपस्या की है
केवल पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए की है, लेकिन आज अपने पुण्य के हिस्से को देने के लिए मैं तैयार हो रहा हूं। अरे राजन, अपने राज्य की सीमा से पहले जाओ, तैयारी करो यज्ञ की। मैं वहां पर आकर के पुत्र यशि यज्ञ कराऊंगा। धन्य हुआ मैं, धन्य हुआ ऋषि भाई, मैं धन्य हुआ। ऋषि भाई, आपकी अगर ऐसी कृपा हो गई तो ये पूरा जहां पूरा संसार आपकी ये गाथा को गाएगा। हे कुल गुरु वशिष्ठ जी, आपने बड़ी असीम कृपा की कि ऋषिवर श्रृंगी ऋषि जी से मुलाकात कराई। हे राजन, अब विलंब मत कीजिए। अच्छा ऋषिवर, प्रणाम, हम लोग चलते हैं यज्ञ की तैयारी करने के लिए। जाओ। अयोध्या की सीमा के पास पहुंच गए श्रृंगी ऋषि जी अपने दलबल के साथ। महाराज दशरथ ने बड़ी अनोखी तैयारी की हुई थी और वहां पे यज्ञ अनुष्ठान चल रहे हैं। ऋषियों के यज्ञ करने का तरीका अलग होता है। सबको बुला लिया, निमंत्रण दे दिया, सभी पहुंच गए और श्रृंगी ऋषि जी यज्ञ को आरंभ कर रहे हैं। हरि ओम स्वस्ति नृढ़ सर्वा स्वस्ति विश्व स्वस्ति नस्तरिष्ट देवी स्वस्ति नौ बृहस्पति पय दिव्यं पयो हरीश पयो दिव्यांतरिक्षे पयो धाम पयस्वती प्रदेश। ओम शांति देवी शांति शांति शांतिर्वनस्पतय शांतिर्विश्व देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांति देवा शांति श्याम शांति दीक्ष शांतिर्भवतो। उसी समय अग्निदेव प्रकट हुए और अग्निदेव ने एक प्रसाद दिया जो श्रृंगी ऋषि जी ने महाराज दशरथ को समर्पित किया कि मेरा महाराज दशरथ, यह अग्निदेव की आहुति देने के उपरांत अग्निदेव ने यह प्रसाद दिया है, इसे आप अपने तीनों रानियों में बराबर बराबर हिस्से में बांट दीजिएगा, इसी से आपको संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन ऐ राजन, इतने बड़े यज्ञ को कराने के बाद आपको कन्या का दान करना पड़ेगा। हे महाराज, मेरे तो कोई संसार ही नहीं, ना कोई पुत्री है ना कोई पुत्र है, तो मैं भला कन्या का दान कैसे कर सकता हूं। है राजन, मैं ये जानता हूं कि तुम्हें ना कोई कन्या है ना कोई पुत्र है, लेकिन इस पुत्र यशि यज्ञ को कराने के बाद कन्या का दान करना अनिवार्य होता है, इसलिए ये लो मैं कुशा की कन्या बनाता हूं और इस कन्या के अंदर आत्मसृजन करके तुम मुझे दान दोगे। ओम यज्ञस्य परिपूर्णार्थे अहम् महाराजः दशरथः भवान् कन्यां सुवरदे। और दशरथ ससुरे राम महि सारा मैं ही पिता हरि पुत्र हमारा। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। महाराज दशरथ चहल कर रहे हैं क्योंकि आज ठीक 9 महीना बीत चुका है
अंदर से ही हमें राजमहल से संदेश आया है कि लगता है आज इस अयोध्या को इसका उत्तराधिकारी मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं महाराजा दशरथ की बेचैनी कैसे बेचैन है। महाराज दशरथ बेचैन है, बार बार चहलकदमी कर रहे हैं सभी प्रजाजन, वो भी परेशान है कि महाराज आज दशरथ बेचैन में है, बेसब्री में है, इंतजार कर रहे हैं। मंत्री जी से पूछते, मंत्री जी कहिए महाराज, क्या अभी तक राजमहल से कोई संदेश नहीं आया? नहीं महाराज, अभी तक कोई संदेश नहीं, अभी तक कोई संदेश नहीं आया। हे मंत्री जी, पता नहीं आज मेरे दिल की धड़कन क्यों बढ़ती जा रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा आज, क्या जाने क्या होगा। हे विधाता, कुछ ऐसी खुशी की चीज बताना, ऐसी खुशी की चीज बताना कि मेरा जीवन धन्य हो जाए। हे महाराज, आप चिंता मत कीजिए, जो भी आएगा शुभ समाचार ही आएगा। महाराज दशरथ की जय, महाराज दशरथ की जय, महाराज दशरथ की जय, महाराज दशरथ की जय, बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो। अरे दासियों, क्या संदेश लेके आए हो? महाराज महारानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो। जब तक दूसरे राजमहल से दूसरी दासी वो भी निकल के आती है और दूसरी दासी भी कह रही है, महाराज दशरथ की जय हो, महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की, बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो। महाराज दशरथ खुशी फूले नहीं समा रहे। महाराज दशरथ से कहा, रे दासी, तुम इतनी प्रसन्न दिखाई दे रही हो, बोलो क्या बात है? महाराज, महारानी सुमित्रा ने एक नहीं दोनों पुत्रों को जन्म दिया है। जब तक तीसरी दासी भी आ गई, बधाई हो महाराज, बधाई हो महाराज, बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो। अरे दासी, अब तुम क्या संदेश लाई हो? हे महाराज, महारानी कैकेयी ने पुत्र को जन्म दिया है, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो। क्या वासियों, खुशी मनाओ, मंगल गाओ। हरि प्रगटे है चारो भैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे है चारो भैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे है चारो भैया, अवध में बाजे बधैया, चारो भैया अवध में बाजे बधैया। भैया भैया